अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फभे अंसारी। टूंडला में शनिवार को हरियाणा रोडवेज बस से 28 मजदूर अपने परिवार पहुंचे, जहां टूंडला प्रशासन द्वारा सभी को ठाकुर बीरी सिंह इंटर कॉलेज में क्वारंटीन कराया गया। इसके साथ ही टूंडला स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा सभी की स्कैनिंग की गई। वहीं टूंडला लेखपाल योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि 13 परिवार सोनीपत और 15 मजदूर परिवार करनाल से बस द्वारा टूंडला लाए गए हैं, जहां सभी को ठाकुर बीरी सिंह इंटर कॉलेज में क्वारंटाइन कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी की स्कैनिंग कराई जा रही है। क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने के बाद सभी मजदूर परिवार को उनके घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। देखिए इंडिया लाइव न्यूज से संवाददाता करण कुमार की रिपोर्ट। मतलब क्या नाम आपका? योगेंद्र उपाध्याय। योगेंद्र उपाध्याय जी, अभी कुछ बस से कुछ लोग मजदूर आए हैं, क्या किया जा रहा है ठाकुर बीरी सिंह में? अभी इनको यहाँ पे क्वारंटीन के लिए ठहराया गया है। इसमें 13 मजदूर जो परिवार हैं वो सोनीपत से आए हैं और 15 करनाल से आए, हरियाणा राज्य से ये मजदूर अभी आए हैं। अब इनको यहाँ ठहराया गया है, इनका मेडिकल चेकअप होगा। इनका मेडिकल चेकअप वहाँ से भी होकर के आया है, इनके पास रिपोर्ट भी है, किंतु यहाँ भी इनका मेडिकल चेकअप होगा। इनको सारी वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और क्वारंटाइन के बाद इनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। कितने दिन क्वारंटाइन किया जाएगा? क्वारंटाइन का जो पीरियड होता है वो पीरियड पूरा किया जाएगा।